खबर भोपाल से जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले की समीक्षा बैठक ली। बैठक में बिजली सप्लाई को लेकर मिल रही शिकायतों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लेते हुए मऊगंज में पदस्थ बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर जेई को सस्पेंड कर कामों में जांच कराने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही जूनियर इंजीनियर की शिकायत सीएम से की थी, जिस पर तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जूनियर इंजीनियर यानी कि जेईई को निलंबित कर दिया। दरअसल जिले के विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रीवा जिले के तमाम विधायक और अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने क्षेत्र में पदस्थ विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर की शिकायत ऑनलाइन मीटिंग के दौरान ही कर दी, जिस पर तत्काल एक्शन लेते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज में पदस्थ विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर रणजीत साहू को निलंबित कर दिया। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में मऊगंज में पदस्थ विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर रणजीत साहू ने हनुमाना में पदस्थ रहते हुए सौभाग्य योजना में लापरवाही की थी, जिसकी शिकायत स्थानीय विधायक को मिली और विधायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी, जिस पर एक्शन लेते हुए सीएम ने जूनियर इंजीनियर रणजीत साहू को निलंबित कर दिया। मैं वीसी में सुबह माननीय विधायक मऊगंज ने कुछ उनके कामों के बारे में कुछ शिकायतें की थी कि उनने कुछ जो ट्रांसफार्मर लगवाए जाने थे उनको गलत जगह लगाया गया है, और वो जब वो झनमना में थे तो और लोगों की समस्याओं का भी उन्होंने ठीक तरह से निराकरण नहीं किया था, तो उस गंभीर अनियमितता और लापरवाही अनियमितताओं को संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया था कि उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, तो उनको निलंबित किया गया।